हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम यूके। यस, और ये इंडिया वाला यूके नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम वाला यूके है। सो बहुत सारी रिक्वेस्ट है, आई मीन लिटरली बहुत सारी रिक्वेस्ट फॉर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम यूके। आई डोंट नो व्हाई, बट यस, पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग देयर आर्किटेक्चर फ्रॉम यूके। सो आई थॉट कि बनाना तो पड़ेगा ही इसके ऊपर वीडियो, और हियर आई एम। और गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि वॉट आर दी थिंग्स दैट आर मेकिंग यू चूज़ यूके, एंड वॉट आर दी बेनिफिशियल पॉइंटर्स, और आपको क्या लगता है कि आप यूके क्यों चूज़ कर रहे हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करिएगा कि वॉट डू यू थिंक आर दी प्रो पॉइंट फॉर यू गाइज टू चूज़ यूके। तो एनीवेज, मैं सारी चीज़ें मेंशन करने वाला हूँ वीडियो में, प्रो कॉन, एंट्री रिक्वायरमेंट, बेस्ट कॉलेजेस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे अच्छे से। और एक और चीज़ गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प दिस कम्युनिटी ग्रो। और गाइज, विदाउट एनी डिलेज, मेरा नाम है सारांश सिंह एंड वेलकम टू माई चैनल आरकी ब्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी से, जो टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसको मैंने ऑर्डर में नहीं रखा है कि कौन नंबर वन है, नंबर टू है, इस तरीके से नहीं रखा है। ये सारी ही यूनिवर्सिटी आर वेल नोन फॉर देयर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, सो इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ रखा है। एंड ये यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम इनके रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। इसकी जो फ़ी है उसके बारे में हम लोग एंड में बात कर लेंगे, बिकॉज सबकी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर फ़ी स्ट्रक्चर है। सो ये चीज़ हम लोग बाद के लिए रखेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर कि आपको क्या प्रो पॉइंट होने वाला है यहाँ जाने का, एंड कॉन्स में क्या क्या आ सकते हैं आपके लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड पहले यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे आ रही है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ बैथ, और ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है ऑफ यूके एंड प्रिटी वेल नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। इसके जो ओवरऑल कोर्स का स्ट्रक्चर है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, वर्कशॉप्स और जो कोलैबोरेशंस होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इंडस्ट्रीज वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो इट्स अ प्रिटी गुड यूनिवर्सिटी एंड डेफिनेटली यू शुड ट्राई गेटिंग इन टू इट। एंड इसका एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको कम से कम 7 पॉइंटर्स के आसपास होना पड़ेगा, एंड इसके वेबसाइट पे मेंशन है 60% भी चल जाएगा, बट 7 पॉइंटर्स अगर आपके रहेंगे, मतलब अराउंड 70% के आसपास, तो आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं टू गेट इन टू इट। सेकेंड रिक्वायरमेंट वुड बी योर आयल्स, आयल्स में आपको लगेंगे अराउंड 6.5 के आसपास, एंड ट्राई कि आपके 7 पॉइंटर्स में आए आयल्स में भी, एंड फिर पोर्टफोलियो लगेगा आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला, एंड उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, देन रिकमेंडेशन लेटर्स। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ट्राई गेटिंग रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम योर फैकल्टी, फ्रॉम योर प्रिंसिपल। सो इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जितने हायर डिवीजन के आप प्रोफेसर्स या फिर फैकल्टी से आप अपने रिकमेंडेशन लेटर्स आप लिखवाएंगे, तो सो इस तरीके से आप कुछ अप्रोच कर सकते हैं इसके लिए। और फिर नेक्स्ट पे आती है हमारी क्वींस यूनिवर्सिटी, एंड दिस यूनिवर्सिटी आई मस्ट से इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूके, एंड प्रिटी वेल नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स टू, एंड इसके एल्युमिनाइज आर रियली बिग पीपल राइट नाउ। लाइक यू कैन जस्ट गो ऑन दिस वेबसाइट एंड यू कैन चेक, एंड इट्स रियली गुड। सो इस यूनिवर्सिटी का भी रिक्वायरमेंट्स आपको ऑनलाइन देखने में लगेगा कि कम है, बट कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होता है बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं आप लोगों के साथ। सो ऑलवेज रिमेंबर, मेक द बेस्ट एप्लीकेशन एज पॉसिबल। आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो टॉप नॉच का होना चाहिए। पोर्टफोलियो के लिए भी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं ऑनलाइन, सो उन वीडियोज़ की भी मैं लिंक डाल दूंगा। इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, सो डेफिनेटली आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। सो जितना हो सकता है मैं आपको जो रेफरेंस हो सकते हैं या फिर जो पोर्टफोलियो में हेल्प करने वाले वीडियोज़ हो सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए मेंशन कर दूंगा वीडियो में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इसके बाद आता है मैनचेस्टर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये
एक्चुअली देखा जाए तो पूरा इंस्टीट्यूट है डेडिकेटेडली फॉर आर्किटेक्चर. इसके अंदर अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड और काफ़ी सारे जो स्पेशलिटीज़ होते हैं इन आर्किटेक्चर, वो सारी चीज़ें कवर होती है. एंड दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल चॉइसिस कि अगर मुझे सिलेक्ट करना होता तो आई वुड हैव केप्ट दिस एज माई फर्स्ट ऑप्शन. बिकॉज एक जब इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड होता है फॉर स्टडीज़, सो उसके बहुत अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं. सो You can definitely try and see इसके जो requirements है. इसके requirements भी almost सारे जो universities है उसके requirements से similar है. But yes, अगर आपको इसके अंदर admission मिल रहा है तो definitely take it. इसके बाद जो university आती है वो है University of Newcastle, and this is also a quite old university. And actually देखा जाए तो United Kingdom में सारी जो universities है वो काफ़ी almost 100 years old हो ही चुकी हैं, because काफ़ी पहले से United Kingdom is progressing and you know why. So anyways, ये सारी चीज़ें हैं. न्यूकासल यूनिवर्सिटी के भी रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. आपको 65% के अबव रहना पड़ेगा आपका जो ओवरऑल बैचलर्स डिग्री में जो मार्किंग होगी उसमें, और आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए. इसके लिए आईएलटीएस में जो रिक्वायरमेंट है वो अगेन 6.5 एंड अप चाहिए आपको. एंड रिकमेंडेशन लेटर्स लगेंगे आपको इसके अंदर. बाकी यूनिवर्सिटी इज़ क्वाइट गुड, यू कैन हैव अ लुक. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं एज यूजुअल. इसके बाद जो यूनिवर्सिटी आती है वो भी काफ़ी फेमस है फॉर इट्स आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड. आई नो आई माइट बी स्पेलिंग दिस यूनिवर्सिटी का नेम थोड़ा सा वियर्डली, बट पार्डन मी फॉर दैट. बट या प्रिटी गुड यूनिवर्सिटी एंड प्रिटी वेल नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट. आई हैव सीन दिस रिपोर्ट्स ऑन क्वाइट अ लॉट ऑफ फोरम्स जो आर्किटेक्ट्स और बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं ऑफ दिस फील्ड है वो यूज़ करते हैं ये फोरम्स, जिसके अंदर अपना बेसिक डिस्कशंस होते हैं एंड बेसिक बातें होती है कि किस तरीके की ये यूनिवर्सिटी है एक्सेट्रा. एंड अगर आपको चाहिए तो यू कैन इवन अप्रोच टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑन लिंक्डइन. दिस इज़ हाउ आई अप्रोच पीपल, एंड काफ़ी बेनिफिशियल होता है फॉर अस टू प्रोसीड लाइक दिस. और ये थी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो काफ़ी वेल नोन है फॉर इट्स आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट. ऐसा नहीं है कि और यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं और बाकी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी नहीं हैं, सारी ही यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं इन देयर ओन वे. सो मैं सारी जो लिंक्स हैं और सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों के लिए. यू कैन क्लिक ऑन दोज लिंक, सी एंड रिसर्च बाई योर सेल्फ ऑल्सो. सो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उसके वजह से. एंड इसके बाद अब बात करते हैं कि आपका खर्चा कितना होने वाला है यार. एंड मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर अगर आपके पेरेंट्स फंड कर रहे हैं तो गुड इनफ, बट अगर आप लोन ले रहे हैं या फिर खुद से सेल्फ फंडिंग कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए दी कॉस्टिंग ऑफ योर मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर. सो कॉस्टिंग अगर इसकी देखा जाए तो ऑन एन एवरेज मैंने सारे कोर्सेज का कंबाइन किया एंड देखा कि कितने तक आता है, तो 17 लाख के आसपास आता है आपका पर ईयर का कॉस्ट ओनली ट्यूशन फीस. एंड देन उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं अराउंड 10 लाख फॉर योर स्टे एंड योर फूड एंड एवरीथिंग. सो अराउंड 1 ईयर का आपका कॉस्ट आता है अराउंड 26-27 लाख के आसपास. सो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया. एंड अगर देखा जाए तो ओवरऑल इट्स अ गुड कंट्री टू बी इन, एंड कॉस्ट इज़ नॉट वेरी हाई, बट या इट इज़ हाई. सो ऐसा नहीं है कि बहुत ही सस्ते में हो जाएगा आपका और ईजीली सब चीज़ हो जाएगी, बट गुड यूनिवर्सिटी एंड गुड प्लेस टू एक्सप्लोर. सो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर यूके. और अब बात करते हैं कि इसका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का क्या सीन है. सो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे 1+2 and 2+3 का प्रोसेस है. जैसे कि आपने अगर 1 ईयर का मास्टर्स किया तो आपको 2 ईयर्स का वर्क वीज़ा मिलेगा, एंड अगर 2 ईयर्स का मास्टर्स किया तो आपको 3 ईयर्स का वर्क वीज़ा मिलेगा. सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू यूके बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस. बट अगर आपको लगता है कि इसका पीआर का प्रोसेस बहुत इजी होता है एंड आपको आराम से पीआर भी मिल जाएगा आगे जाके, तो इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू गेट अ यूके का पीआर. बट या अदर देन दैट, अगर आपको 1+2 का मिल रहा है वर्क वीज़ा, सो
व्हाट्स रॉन्ग इन दैट कि आप एक साल पढ़ाई कर लें दो साल में आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा एंड देन इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ वर्क वीज़ा और यू कैन कम बैक टू आवर होम कंट्री बट या ओवरऑल देखा जाए तो इन माय पर्सपेक्टिव इट्स नॉट अ बैड कंट्री यू कैन डेफिनेटली गो हियर एंड यहाँ जाने के बाद आपके पास यूरोप में भी एंट्री करने के लिए थोड़ा ईजियर हो जाता है जो कि अभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है यूके बट जो वर्क वीज़ाज है और ये सब है उसका एप्लीकेशन काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाता है एंड आपका जो जॉब प्रोसेस होता है कि जॉब लगने के लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस होता है यू कैन डू इट ईजीली एंड आराम से आपको यूरोप में भी जॉब मिल सकती है सो या काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूके में सो ओवरऑल गुड कंट्री एंड आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग हाँ प्रोज एंड कॉन्स में भी यही आता है यार प्रो में देखा जाए तो वन प्लस टू का वीज़ा है जो वर्क वीज़ा है वो बहुत ही कम कंट्रीज़ में है ऐसा सो दैट इज़ अ बेनिफिशियल पार्ट एंड अगर आप टू ईयर्स का मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको रीबा का एक्रेडेशन मिल जाएगा एंड टू ईयर्स का मास्टर्स डिग्री इज़ रिकग्नाइज्ड इन इंडिया ऑल्सो सो दैट विल बी अ ग्रेट पार्ट फॉर अस एंड कॉन्स में बस यही है कि यार दुगना लगान देना पड़ेगा आपको सॉरी थोड़ा सा लेम जोक था बट या कॉन्स में ये बात है कि थोड़ा कॉस्टली है कंट्री बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको लगता है कि 60 लाख के आसपास आपका जो खर्चा हो रहा है दो साल का दैट इज़ गुड एंड गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू देन डेफिनेटली गो फॉर दिस कंट्री रियली गुड कंट्री एंड आई थिंक सो आई विल एंड दिस वीडियो ऑन दिस नोट अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या फिर क्वेश्चन है आई नो मैं हर चीज़ कवर नहीं कर सकता एक वीडियो में सो या डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं मुझे एंड आई रिप्लाई ऑल ऑफ द कमेंट्स जैसे भी कमेंट्स हो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू कि क्या है आपका ओपिनियन वाई यू आर चूजिंग यू के एंड आपको क्या लगता है कि प्रो क्या है कौन क्या है उसका एंड अगर आपको कोई डाउट है तो वो तो मैं आंसर करूँगा ही सो या एंड गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आई एम क्वाइट क्लोज टू 2K सो या हेल्प मी रीच 2K एंड कीप सपोर्टिंग हैव अ ग्रेट डे गाइज बाय बाय